एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जहां कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दल इसकी तारीफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर अपनी वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को ऐतिहासिक कदम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को दी गई स्वीकृति का मैं समस्त मध्य प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने आज अपनी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी दिलाई। ये अभी तक का इतना बड़ा फैसला है जिसके माध्यम से विकास के मामले में चुनाव की बार बार की स्थिति अलग अलग राज्यों की जब होती है तो डेवलपमेंट का काम रुकता है, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले ही घोषणा की थी, और इसलिए पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के मार्गदर्शन में एक आयोग बना था जिसने रिकमेंड किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ शीतकालीन सत्र में आने वाले प्रस्ताव को संसद से मंजूरी मिलेगी, और यशस्वी प्रधानमंत्री का ये निर्णय भारत को गौरवान्वित करने वाला है, लोकतंत्र को मजबूत करेगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई।